डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन बाय फोर। अक्सर बच्चों को किसी भी नंबर को फोर के साथ मल्टीप्लाई करते हुए अक्सर मुश्किल होती है, तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि बच्चे इजीली फोर के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, अगर हमने 15 को फोर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप फोर को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। और बच्चों को 2 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए बहुत इजी लगता है, तो इसलिए देखें मैंने 4 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है। अब आपने क्या करना है, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो होता है 30, और जो इसका आंसर आएगा उसको फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इजीली 4 के साथ किसी भी नंबर को इस ट्रिक की मदद से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक मैं सेकंड ट्रिक भी आप लोगों को बता रहा हूँ, या आप इसी ट्रिक को इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 4 है, यहाँ हमने लिखा था 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह अगर हम 4 को इस तरह भी लिख सकते हैं 2 प्लस 2। हम क्या करेंगे, 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमें पता है 30, और फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 30। इस ट्रिक की मदद से ये फ़ायदा है कि आपके पास जो नंबर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करने से आ रहा है वही सेकंड टाइम आएगा, तो आप इन दोनों को इजीली ऐड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जब आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। थैंक यू।